नमस्कार, यह वीडियो हमारी अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के बारे में है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट एक शीयर टेस्टिंग है। देयर इज फोर टाइप ऑफ शीयर टेस्टिंग। नंबर वन डायरेक्ट शीयर टेस्ट, नंबर टू अनकन्फाइंड, नंबर थ्री ट्राइएक्सियल, नंबर फोर बेंशियर। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट फोर कोहेजिव सॉइल के लिए करते हैं, किले के लिए। अनकन्फाइंड में करने का क्या फंडा होता है? सपोज कीजिए ये आपकी फुटिंग है, इस पर ये वॉल का लोड है। इसके जो नीचे की सॉइल होगी उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो रहेगा। यह आपकी क्लियर अनकन्फाइंड होती है। इट मींस आपका वर्टिकल लोड कुछ वैल्यू हो, आपका हॉरिजॉन्टल लोड जीरो हो। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्टिंग की सैंपलिंग दो तरीके से होती है, डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टर्ब सैंपल आपका जिसमें आपका सॉइल सैंपल लेके आते हो, इससे आप उसका मॉइस्चर और डेंसिटी दोनों ही चेंज करते हो। अनडिस्टर्ब जो आप सॉइल सैंपल लेके आते हो उसका आप सॉइल का डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट चेंज नहीं करते हो। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में हमारा स्टैटिक कॉम्पैक्शन यूज होता है। सपोज कीजिए आपकी एमडीडी 2.001 ग्राम पर सीसी है, आपकी ओएमसी 7.98 है, आपका मोल्ड का डाया आपका 344.77 सीसी है। इसमें आपका मोल्ड का डायमेंशन सिलेंड्रिकल शेप में डायमीटर 38 mm होता है और हाइट 76 mm होती है। इट मीन्स 1:2 में होते हैं। तो आपका डेंसिटी का फॉर्मूलेशन होता है रो डी अपॉन रो 1/W। आपको वाटर कंटेंट पता है, ड्राई डेंसिटी पता है, आपको P/W वॉल्यूम पता है, आपको वेट निकालना है टोटल वेट का। तो आपका रो डी 1/W मल्टीप्लिकेशन वी, देन यू कैन कैलकुलेट ईजी बिस वन 744.94 ग्राम। इसमें से आपका 7.98% आपका वाटर है, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉइल। एक बात का ध्यान रखना, आपका सैंपल 425 माइक्रोन से पासिंग हो। उसमें आप मिक्स कीजिए वाटर। अच्छा, आप फिल जो करोगे सैंपल को, फर्स्ट उसमें अंगूठे की तरफ से थंब में इंप्रेशन की तरफ से फिल करोगे। यह जो सारा सैंपल है इसके अंदर फिल होना चाहिए। फिल होने के बाद 2.5 किलोटन का लोड लगाते हो CTM में। उसके बाद सैंपल को वेरी केयरफुली एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट में ध्यान रहे कि उसके कॉर्नर एज टूटे ना। एक्सट्रैक्ट करने का सपोज कीजिए आपका सैंपल है और सैंपल को इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सैंपल का लेंथ और डाया मेजर करते हैं विद दी हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। उसके बाद ग्रुप कट करते हैं। ग्रुप कट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो अपरेटस है उसमें इस तरीके से
हमारी प्लेटें होती हैं ताकि कॉन्सेंट्रिक लोड लग सके, पॉइंट लोड इजी लग सके। अब जो रेट ऑफ लोड डिपेंड होता है आपकी टाइप ऑफ सॉइल पर, कोजिप सॉइल के लिए स्लो रेट ऑफ लोडिंग होता है, चिल्टी सॉइल है तो उसके लिए रेट ऑफ लोड हाई होता है। क्वेश्चन होता है कि सैंपल पर कब तक लोड लगाना है। एक होता है कि आपका प्रूविंग जब बैक कर जाए तब, दूसरा होता है 20% ऑफ शियर स्ट्रेंथ तक, इन दोनों में से जो पहले हो जाता है उसी पर रोक देते हैं। डायल गेज और प्रूविंग दोनों की रीडिंग पढ़ते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है टाइम एलेप्स का, प्रूविंग रिंग रीडिंग लोड, प्रूविंग रिंग रीडिंग मल्टीप्लाई कन्वर्जन फैक्टर, वर्टिकल डायल गेज रीडिंग, डायल गेज डिफरेंस। सपोज कीजिए आपने ये पांच रीडिंग आती है आपकी फर्स्ट, आपका कन्वर्जन फैक्टर सपोज कीजिए 3 है, 15 kg आपका लोड आ गया, वैसे पॉसिबल नहीं है, आपका डायल गेज रीडिंग आया 0.001, आपका रीडिंग आ गया। आपका डिफरेंस, आपका इनिशियल हाइट आपकी 77 mm थी, तो नाउ 77 माइनस दिस 1.00.01 तो डिफरेंस इन हाइट आ गया, शियर स्ट्रेंथ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, शियर स्ट्रेंथ आ गया, करेक्टेड एरिया इनिशियली एरिया 1 - e, स्ट्रेस लोड डिवाइड बाय पी डिवाइड बाय ए। आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करोगे। आप इसमें ध्यान रहे आपका जो फाई का वैल्यू है वो 0 रहता है, इट मींस ये पोर कोहेसिव सॉइल के लिए होता है क्योंकि इसमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो आपने ऑलरेडी 0 सेट किया हुआ है। आप वैल्यू पुट करते हो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पुट करोगे और उसका बाइसेक्ट करोगे, सर्कल ड्रा कर दोगे, जहाँ पर पॉइंट पर मीट होगा वो आपकी सी यू वैल्यू रहेगी और ये आपका ग्राफिकल से सी यू वैल्यू होता है। आपको सी यू वैल्यू निकालना है मैथमेटिकली, तो क्यू जो मैक्सिमम है आपका उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका सी यू की वैल्यू आ जाएगी। इसमें हमारा मेन पर्पज़ हमारा करने का ये होता है कि सी यू की वैल्यू फाइंड आउट करना। थैंक यू।